Okay. So, good morning, all of you. I welcome you all to CM2 paper. पेपर का नाम भी चेंज हो गया है एंड एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं. बहुत कुछ वैसा हार्ड एंड फास्ट चेंज नहीं है. चैप्टर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 हैज बीन रिमूव्ड एंड बाकी जो भी माइनर चेंजेस होंगे वो हम लोग देखेंगे. ठीक है. सो द पॉइंट इज सबसे ज्यादा अंडररेटेड पेपर है ये CM2 का पेपर. एंड देखो पर्सनली लगता है बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है इस पेपर को देने के लिए. सो CM2 का जो पेपर है इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स. ठीक है ना. पहले 9 बुकलेट था बट अब आप देखोगे जो चैप्टर नंबर 5 था उसका एक सेपरेट बुकलेट था विच इज स्टोकास्टिक इंटरेस्ट रेट मॉडल्स. तो अब वो रिमूव कर दिया गया था एंड कैन इजीली डिवाइड द सिलेबस इनटू स्मॉल स्मॉल 8 to 10 पार्ट बेसिकली. एंड अगर आप देखोगे अगर आप लोग सारे क्लासेस में कंसिस्टेंटली आ रहे हो द बेस्ट थिंग इज कि अब की बार हमने काफी लाइव बैकअप रखा है. सो फॉर एवरी क्लास देयर इज अ लाइव बैकअप बट व्हेनेवर वी आर कीपिंग क्लासेस ऑन संडेस ऑन वेडनेसडेस वी एक्सपेक्ट कि भाई सब लोग आ रहे हैं. आपका पर्सनल प्रॉब्लम से मेरे को मतलब नहीं है बट हाँ अगर आप जॉब में हो एंड आपका कॉलेज है तो वो सब चीज को देख के हम लोग मल्टीपल क्लासेस करवाएंगे एंड रिकॉर्डेड तो देखना ही है बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि भाई आप लोग लाइव जितना आएंगे उतना बेटर रहेगा. ठीक है ना. सो आप देखोगे इसमें मेनली हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं. CM2 एक ऐसा पेपर है जिसमें आपका बहुत इजी टॉपिक्स भी है एंड थोड़े चैलेंजिंग टॉपिक्स भी है. आई नॉट से डिफिकल्ट बट आई से चैलेंजिंग. तो जैसे आप देखोगे शुरू के जो चैप्टर्स हैं लाइक शुरू में पहले 8 चैप्टर्स अभी 6 चैप्टर्स. सो देयर इज पोर्टफोलियो थ्योरी कि हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग क्यों एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे. राइट. मेरा मेरा कैमरा एंड माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस नो ओके या सो यस. एंड उसके बाद में थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आता है जो हमने पहले कभी नहीं देखा है विच इज द ब्राउनिंग मोशन पार्ट स्टोकेस्टिक कैलकुलस पार्ट. अगेन देर इज फुल ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन. तो डेरिवेटिव मार्केट से वो हम लोग पढ़ेंगे. वी लर्न अबाउट हाउ टू प्राइस एन ऑप्शन थ्रू बाइनोमियल एंड ब्लैक स्कोल्स एंड मेनली देर इज क्रेडिट रिस्क देर इज इंटरेस्ट रेट मॉडल. सो मॉडल्स का पेपर है ये पेपर जो इसमें लोग को मॉडल बिल्डिंग कर रहा है. एंड उसके बाद में टू टॉपिक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम योर CT6 करिकुलम व्हिच इज रन ऑफ एंड ब्रेन थ्री. तो पहले क्या होता था ना ये स्टेटिस्टिक्स एस्पेक्ट से आता था जब CT6 का पार्ट था बट अब इसमें पूरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट आ गया. ओके रन ऑफ एंड ड्यू थ्योरी वेरी स्कोरिंग पेपर एंड ट्रस्ट मी अगर कोई CM2 में फेल हो रहा है इसका मतलब ये है ही हैजंट अटेंडेड ऑल द लाइव क्लासेस एंड वो सिंसियर नहीं था. बिकॉज़ CM2 में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इजीली क्रैक किए जा सकते हैं मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है. वी टॉक अबाउट द पेपर CS1 CS2 वहां पेपर को प्रेडिक्ट करना इज वेरी चैलेंजिंग एंड किस टाइप के क्वेश्चन. बट CM2 में क्या है ऐसा नहीं है बिल्कुल. आपका सिलेक्टेड टॉपिक्स है एंड मतलब आप अगर उसको एकदम अच्छे से करके जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. सो आई नॉट वेस्ट मच टाइम बिकॉज पेपर पैटर्न एंड ऑल आपको सबको पता है. एंड अ क्विक डिस्कशन की जो लोग भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट क्लास में आज हमारे साथ जुड़े हैं जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है आप लोग पसंद अपना टाइम लिख दीजिए कि व्हाट टाइम इज योर ऑफिस. व्हाट टाइम इज योर ऑफिस. तो ऑफिस का टाइम बस पहले लिख दीजिए. सो अरेंज कि भाई मैं ऐसा मैंने एक रफ शेड्यूल तो दे दिया है. सो आई आई होप आपको शेड्यूल समझ में आया है बिकॉज जो आज जैसे हॉलीडे है तो आज वाले क्लास का लाइव बैकअप नहीं होगा बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे जो प्रैक्टिस सेशंस है एंड जो मेन सेशंस है सबका आपने एक सेकंड बैकअप अरेंज किया. बहुत बार ऐसा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई सेकंड बैकअप नहीं हो बट मोस्टली हम लोग दो बार करके पढ़ाएंगे ताकि सब लोग लाइव अटेंड करें. एंड वन मोर थिंग इज दैट इफ वी सी दैट कोई अगर इंटरेस्ट लेके क्लास नहीं कर रहा है दैट मीन स्टॉप वील स्टॉप दीज लाइव सेशंस. एंड ऐसा पास में भी हो चुका है क्लास में कोई नहीं आ रहा है एक जन आ रहा है दो जन आ रहा है देन वील ऑल्सो नॉट उतना हम लोग भी एफर्ट नहीं लगाएंगे. ठीक है. सो यस सो आई हैव गॉट टाइमिंग्स एंड यस आप लोग जो लोग अभी अभी करेंट शेड्यूल में अगर आप लोग देखोगे करेंट शेड्यूल में कोई कोई क्लासेस ऐसा होगा जो आपका दोनों ही अटेंड नहीं हो रहा होगा. राइट. वर्किंग प्रोफेशनल से मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर देना.
माय नंबर इज 9038119555, ठीक है ना। तो आप लोग उसको व्हाट्सएप पर ना डेफिनेटली आई 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 एम श्योर कि भाई हम लोग का पूरा टीम सबको 100% लाइव क्लास सबकी बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एंड द सिलेबस कंप्लीशन टाइम विल बी दिसंबर एंड दिसंबर 20 तक हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। सो इनपुट द हेडिंग मेजर द इन्वेस्टमेंट रिस्क, मेजर द चैप्टर नंबर उतना फोकस मत करिएगा बिकॉज अभी थोड़ा सा नया वाला जो 2024 का मैच मेरे पास अभी है नहीं, तो होपफुली उनका जनवरी फरवरी तक आएगा। आई जस्ट चेक कि भाई क्या क्या चेंजेस है उसमें। अभी हम लोग 2023 का मैट इस आप लोग सबको मिला होगा, राइट। सो यस पुट द हेडिंग मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, मेरा बात समझना। मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क से मेरा मतलब क्या है, जब हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब कोई भी एसेट खरीदते हैं या फिर कोई स्टॉक खरीदते हैं, कोई बॉन्ड खरीदते हैं, तो भाई हम लोग थोड़े रिस्क एवर्स होते हैं। व्हाट इज रिस्क एवर्स, कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारा जो कैपिटल है वो डूबे। तो क्या क्या चीजों के बेसिस पे मैं वो डिसीजन ले सकता हूँ कि भाई ये वाला इन्वेस्टमेंट मेरे लिए फ्रूटफुल होगा कि ये वाला इन्वेस्टमेंट मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, राइट। सो दैट इज मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन के बारे में, वेरियंस के बारे में, डाउन साइड सेमी वेरियंस के बारे में, शॉर्ट फॉल प्रोबेबिलिटी के बारे में, वैल्यू एट रिस्क के बारे में, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड टेल वैल्यू एट रिस्क के बारे में, ठीक है। मोस्टली वी आर गोइंग टू कवर दीज टॉपिक्स, ओके। तो मैं अभी आज कोई मैथ वगैरह कुछ की दरकार नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखवा दूंगा एंड उसी से हम लोग चालू करेंगे, ठीक है ना। चलो सो पुट द हेडिंग मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क। बहुत सिंपल चैप्टर है, आज हम लोग टारगेट करेंगे कि 3 घंटे का क्लास में हम लोग इसको कवर करें, ठीक है। तो चलिए आइए। सबसे पहले हेडिंग लगाना वेरिएंस ऑफ रिटर्न, वेरिएंस ऑफ रिटर्न, सो वेरिएंस ऑफ रिटर्न में फॉर्मूला क्या बोलता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी न्यू माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एफ एक्स डीएक्स। बहुत सिंपल है ये तो। मीन से डिविएशन, व्हाट इज वेरिएंस, मीन से एक्चुअल वैल्यू का डिविएशन, डिविएशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, उसका स्क्वायर एंड देन पीडीएफ पे करके रेंज में हम लोग को इंटीग्रेट करना है। इज इट क्लियर, ये हम लोग सबको पता है। एवरेज डिविएशन स्क्वायर, व्हाट इज वेरिएंस, वेरिएंस इज एवरेज डिविएशन स्क्वायर। वेरिएंस से कोई भी हम लोग कुछ पता नहीं चलता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं एसडी, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, व्हिच इज रूट अंडर वेरिएंस। एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, इज द एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज द एवरेज फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। एंड यस, यहां पर मेरा म्यू क्या है लिख लो, व्हाट इज म्यू हियर, म्यू इज द मीन रिटर्न, म्यू इज द मीन रिटर्न, मीन रिटर्न। एंड एफ एक्स इज द पीडीएफ, एफ एक्स इज द पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। वेरियंस एक टाइप का परसेंटेज स्क्वायर मेजर आएगा, समझ रहे, वेरिएंस इज स्क्वायर मेजर। हम लोग यहाँ पर रिटर्न का कर रहे हैं, कितना 4% 5%, तो वो परसेंटेज स्क्वायर में आएगा। 1% मतलब डिवाइड बाय 100, 2% मतलब डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। तो ये सिर्फ बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है, ओके। तो आइए मैं एफएक्स आपको लिखवाता हूँ, ये लोग कॉपी हो गया सबका, चलिए हम लोग एफएक्स लिखते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी एफएक्स दूंगा, एफएक्स इज 0.000, 0.0075 हंड्रेड माइनस एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर मेरे को एक्स का जो रेंज है वो दे दिया है माइनस फाइव से 15, एक्स का जो रेंज है वो मेरे को दे दिया है माइनस फाइव से 15। हम लोग को यहां पर निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। एक शॉर्टकट मैं आप लोगों को बताऊंगा, वेरिएंस का फॉर्मूला ये भी होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो तुम पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वेरिएंस। इज इट क्लियर, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है, प्लीज सब लोग चैट बॉक्स में येस नो लिखेंगे, ठीक है ना। सब लोग एकदम चैट बॉक्स में येस नो लिखेंगे। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो आइए, तो सबसे पहले हम लोग को मीन निकालना है इसका। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये 0.0075, ये तो मेरा आ जाएगा बाहर, अंदर में आएगा माइनस फाइव से 15, ठीक है।
एक्स इंटू एफ एक्स सी एक्स, याद आ रहा है, एक्स इंटू एफ एक्स सी एक्स, तो 100 माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए। अब इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री, एंड एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब बाय फोर बाय फोर। सॉल्व कर लीजिए इसको। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। सॉल्व करिए इसको, कितना आ रहा है ये? 5% आएगा पर एनम। ऊपर स्क्रॉल करना है, ये लीजिए, स्क्रीन पर है अभिनीत, कनिष्क, छवि, अशार्क, वत्सल, श्वेता, इशिका, कुशाग्र, और भी लोग आते हैं बट वो रोटेशन में आते हैं। सबको समझ में आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? 20% स्क्वायर आएगा, चेक करो। कंटिन्यूअस में अगर कोई भी चीज करेंगे तो हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, एंड अगर हम लोग डिस्क्रीट में कोई भी चीज करेंगे तो हम लोग करेंगे समेशन। तो ऊपर वाला जो हम लोग किए थे वो कंटिन्यूअस के लिए था, और नीचे में मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो मैंने लिखा है डिस्क्रीट के लिए। नहीं आ रहा है? परसेंटेज स्क्वायर आएगा, मैं 20 आएगा 25% स्क्वायर, मैंने ई एक्स स्क्वायर का नहीं आएगा, ये वेरिएंस का मैंने लिखा है।
वेरिएंस ऑफ एक्स मैंने लिखा है 20% स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कुछ और आएगा, हाँ 45 माइनस 20 है, तभी तो 20 आएगा, ये 45 आएगा। डिस्क्रीट का फॉर्मूला लिख लो, एक्स इज द इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड यहां पर उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो एक्स -7 5.5, यहां पर 0.04, 0.96। सेम हम लोग को मीन और वेरिएंस निकालना है, तो मीन तो बहुत इजीली आ जाएगा। मीन कैसे निकलेगा, -7 × 0.04 +5.5 × 0.96। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, तो कैसे आएगा, -7 का स्क्वायर × 0.04 +5.5 का स्क्वायर × 0.96। सॉल्व कर लीजिए, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला से करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं वो भी देख लो। हम लोग करेंगे म्यू अपना यहां पर कितना आएगा, म्यू अपना यहां पर आएगा 5, हम लोग करेंगे 5 5 5 -7 का स्क्वायर × 0.04 +5 -5.5 का स्क्वायर × 0.96। डायरेक्ट अगर करना है तो ऐसे कर सकते हैं। वेरिएंस आएगा 6% स्क्वायर। हाँ तो कोई भी अगर तुम इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो उसमें एक प्रॉब्लम होता है। मान लो हम तुमको बोलते हैं कि 10 लाख रुपया लगाओ, या तो ये 15 लाख हो जाएगा या फिर ये 5 लाख हो जाएगा। हम लोग सब जनरली में रिस्क एवर्स होते हैं, तो हम लोग ऐसा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी होने का चांस मान लो 50% है, इसका भी होने का चांस 50% है, तो ये एक फेयर गैम्बल हुआ। तो एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर फेयर गैम्बल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम लोग को हमेशा पता, हम बोलेंगे सर ठीक है आप स्टॉक खरीदिए, 200 रुपया चल रहा है, 300 तक जाएगा, और 300 छोड़ो, नीचे कितना जा सकता है पहले ये बताओ। तो वी आर ऑलवेज कंसर्न विद द डाउन साइड, डर किस चीज का है, अपसाइड का नहीं है। वो हमको बोला सर अभी स्टॉक खरीदिए, ये आपका 350 400 जाएगा, हम बोले और से बकवास मत करो, मेरे से बताओ कि नीचे कितना जा सकता है। तो वेरिएंस तो ठीक है, वेरिएबिलिटी तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, बट बात यहां पर आ रहा है डाउन साइड सेमी वेरिएंस का, मतलब नीचे तरफ में रिस्क कितना है, नीचे तरफ में वेरिएबिलिटी कितना है वो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट लिखना सेमी वेरिएंस ऑफ रिटर्न। अब हम लोग क्या करेंगे, मीन के नीचे का वेरिएबिलिटी, तो -∞ से म्यू, म्यू माइनस एक्स का स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली अगर हम लोग डिस्क्रीट में करेंगे तो क्या हो जाएगा,
समेशन एक्स लेस देन म्यू, मतलब म्यू के नीचे का कौन सा है? म्यू माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ठीक है, एक्स का रेंज देखो, माइनस एक्स 15 था ना, और अपना मीन आ रहा था 5, तो मीन मिडिल में आ रहा है, मीन मिडिल में आ रहा है मतलब सिमेट्रिकल है। एक्स का रेंज देखो माइनस वाई से 15 है, तो उसका बिटवीन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। मीन अगर मिडिल में है इसका मतलब सिमेट्रिकल है, ये एक आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, मीन अपना ऊपर में 5 आ रहा था, सिमेट्रिकल है, तो मीन 5 आ रहा है, तो वो ऊपर वाला जो एफएक्स है वो क्या है? सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब है जो सेमी वेरिएंस होगा वो वेरिएंस का आधा होगा, जो सेमी वेरिएंस होगा वो वेरिएंस का आधा होगा। समझा? लिखो, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन क्वेश्चन इज सिमेट्रिकल कॉमा डाउनसाइड सेमी वेरिएंस इज हाफ द वेरिएंस। कितना आएगा? 20/2, 10% स्क्वायर। ये सबको क्लियर हुआ? कोई भी अपना कैमरा नहीं ऑफ करेगा? हम लोग पहले चेक किए कि रेंज का बीच में क्या आ रहा है। रेंज का बीच में 5 आ रहा है, -5, 15/2 कितना आता है? 5, वही मेरा मीन है। मतलब ये जो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने से जो डाउन साइड सेमी वेरियंस होगा वो आधा होगा, किसका? वेरियंस का। ठीक है, ये मेरा कंटिन्यूअस का हो गया। अब डिस्क्रीट का देखो क्या होगा। म्यू से नीचे क्या है एक्स का वैल्यू? म्यू से नीचे क्या है एक्स का वैल्यू? 5 है, 5 का मेरा वो हो गया। उसके ऊपर में क्या है? 5.5। उसके नीचे क्या? -7। तो खाली -7 बोलेंगे, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस और -7 का स्क्वायर इंटू उसका होने का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है? 0.04। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने एक्स का वो वैल्यू जो मीन के नीचे है, खाली वही सब वैल्यूज को लेंगे। एक्स का वो वैल्यू जो मीन के नीचे है, खाली वही सब वैल्यूज को लेंगे। कितना आ रहा है आंसर? 5.76% स्क्वायर पर एनम। नेक्स्ट लिखो, शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी। तो ये कैसे आएगा? माइनस इंफिनिटी से एल, और एल मेरा क्या है? बेंचमार्क है। बेंचमार्क का मतलब क्या हुआ? किससे कम निकाल रहे हैं? शॉर्टफॉल विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट बेंचमार्क? ठीक है, ये बहुत सिंपल है कि भाई लोअर रेंज जो है, लोअर रेंज से लेकर के बेंचमार्क तक इंटीग्रेट करेंगे। जो मेरा पीडीएफ दिया हुआ उसको, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी रिटर्न फॉलिंग बिलो सर्टेन लेवल। तो उसके नीचे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? हम लोग कर रहे ही नहीं क्या? प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 2.2 मान लो, तो क्या करते थे? लोअर रेंज से 2.2 पर इंटीग्रेट, वही तो करना है।
ये कंटिन्यूअस में हो गया, डिस्क्रीट में कैसे आएगा? समेशन ऑफ एक्स लेस देन एल, माने एल से नीचे नीचे का जो जो प्रोबेबिलिटी है वो सब ले लेंगे, खाली प्रोबेबिलिटी का सम होगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। अब अपना जो कंटिन्यूअस वाला एग्जांपल है, अगर हम लोग बेंचमार्क लेते हैं जीरो कि मेरे को नॉन नेगेटिव रिटर्न चाहिए, तो हम ये पूछेंगे कि भाई नेगेटिव होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो लोअर रेंज मेरा क्या था बताओ? लोअर रेंज मेरा था -5, -5 से जीरो मान लो, क्या करेंगे? पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे। चलो उसको सॉल्व करो, शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी एल इज 0%, सॉल्व करिए इसको, तो क्या आ जाएगा? -5 से 0, 0.00075, हंड्रेड माइनस एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर डीएक्स। यही अगर डिस्क्रीट में करना होता तो क्या आंसर होता बताइए? जीरो से नीचे तो एक ही रिटर्न लेवल है, -7 इसको होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो 0.04 मेरा आंसर हो जाता है। जीरो से नीचे जो जो प्रोबेबिलिटी है बस खाली वो लेना है बस। यहां तक कर लो, 2 मिनट का ब्रेक है।
ये वाला सेव है ना, पॉलिटिकल और नंबर ये तो नहीं है पॉइंट के और ये सब खाए तो बड़ा चलो तो ये वाला हम लोग का हो गया। अब इसके बाद पुट द हेडिंग वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क
मैं क्लाइंट लिखता हूं, उसको समझना, ठीक है? देर इज अ 1% चांस दैट लॉसेस विल एक्सीड 40 करोड़. बहुत सिंपल है, समझना. 1% चांस दैट लॉसेस विल एक्सीड 40 करोड़. तो इसका मतलब ये हुआ, देर इज अ 99% चांस दैट लॉसेस विल नॉट एक्सीड 40 करोड़. मतलब 99% चांस है कि जो मेरा लॉसेस है वो 40 करोड़ के अंदर रहेगा, एंड 1% चांस है एडवर्सिटी का कि मेरा जो लॉसेस है वो 40 करोड़ को एक्सीड करेगा. तो 1% बॉर इज वॉट 40 करोड़, ठीक है? पहले इसको कॉपी करो. वैल्यू एट रिस्क फुल फॉर्म. ठीक है, एक और स्टेटमेंट देखना. ये तो हो गया लॉसेस के पर्सपेक्टिव से. एक होता है प्रॉफिट्स के पर्सपेक्टिव से, या फिर फंड वैल्यू के पर्सपेक्टिव से, वो भी मैं लिखवाता हूं, ठीक है? मैंने प्रॉफिट्स में उल्टा हो जाएगा या फिर फंड वैल्यू में उल्टा हो जाएगा. देर इज अ 1% चांस दैट फंड वैल्यू ऑफ दी प्रॉफिट्स विल नॉट एक्सीड 20 करोड़, एंड देर इज अ 99% चांस दैट फंड वैल्यू ऑफ दी प्रॉफिट्स विल एक्सीड 20 करोड़, ठीक है? अब इसका मतलब समझना. ये जो पी है ना, ये लेवल है, वॉर का लेवल है. जो 1% है ना, ये पी है. प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन पी इज इक्वल टू पी, एंड वॉर एक्स इज माइनस पी. बहुत सिंपल है, ठीक है? एक सम करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है? ये हम लोग का हो गया तुम्हारा कंटिन्यूअस में. नहीं, पी एक इंडिकेटर है. अरे टी मेरा वॉर हुआ, माइनस टी मेरा वॉर हुआ, ठीक है? एक मिनट, पहले कर लेते क्वेश्चन, तब तक क्लियर हो जाएगा. रुक जाओ, ये कॉपी हुआ, ये ना प्रॉफिट फंड वाली वाला कॉपी हो गया, ठीक है? ये ना फॉर्मूला कॉपी हो गया. अब एक क्वेश्चन लिखो पहले. हम लोग को 97.5% वॉर निकालना है, ठीक है? एंड जो मेरा एक्स है वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल 8.8 स्क्वायर. एक्स मेरा क्या हो गया? रिटर्न, ठीक है? एंड पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है दैट इज 200 मिलियन पाउंड, 200 मिलियन. तो अभी ये पोर्टफोलियो वैल्यू का कोई काम नहीं है, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है? अभी हम लोग को ये चीज समझना है. देखो, 97.5% बोले या 2.5% बोले,
मेरा 2.5% ही होगा। 97.5% बोले या 2.5 बोले, पी मेरा 2.5 ही होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिख देंगे मेरा पी क्या है, पी 0.025। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बोलता है हम लोग को, फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन टी, फॉर्मूला बोलता है प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन टी। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन टी इज 0.025 इज इक्वल टू पी था। अब मेरा एक्स क्या फॉलो करे, नॉर्मल, इसको स्टैंडर्डाइज करके निकाल सकते हैं आंसर, निकालो। तो कैसे करेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन टी माइनस 8/8, दिस इज 0.025। अब 2.5% है ना, तो टेबल बुक में जाओ और 2.5% का वैल्यू देख के बताओ, टेबल बुक में जाके 2.5% का वैल्यू क्या होता है। बट हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जेड इज ग्रेटर देन 1.96 इज 0.025, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी जेड इज लेस देन माइनस इज इक्वल टू 0.025। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो पूरा है, इस पूरा का वैल्यू इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, तो प्रोबेबिलिटी बोलो, सॉरी अब तो इसको प्रोबेबिलिटी का तो दरकार है नहीं, हम लोग बोल सकते हैं टी माइनस 8/8 इज इक्वल टू माइनस 1. यहां से टी निकालो, हाँ माइनस 7.68। तो मेरा वॉर टी क्या आ जाएगा, वॉर एक्स क्या आ जाएगा, माइनस टी विच इज 7.68। अब ये एक्स मेरा क्या था, परसेंटेज में था, तो ये भी मेरा परसेंटेज में आ रहा है। वॉर पॉजिटिव मतलब नुकसान, वॉर नेगेटिव मतलब प्रॉफिट, वॉर पॉजिटिव मतलब नुकसान, वॉर नेगेटिव मतलब प्रॉफिट। ठीक है, वॉर पॉजिटिव मतलब नुकसान। अब देखो मेरे यहाँ पर वॉर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब दिस इंडिकेट्स लॉस। मेरा वॉर पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये लॉस इंडिकेट कर रहा है, अगर मेरा वॉर नेगेटिव आता मतलब प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब मेरा बात ध्यान सुनना, अब ये 7.68 तक किसी को कोई भी डाउट है, अब ये 7.68 निकल गया ना, अब 200 मिलियन का मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू था याद है, उसको मल्टीप्लाई करो 7.68% से, बताओ कितना आता है। अब बताओ ये 200 मिलियन है मतलब ये फंड वैल्यू हुआ ना, मतलब ये फंड वैल्यू हुआ, तो फंड वैल्यू के केस में उल्टा करेंगे, चीज समझो, पहले चीज समझो, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान से मेरा बात सुना, एक सम कराएंगे पूरा समझ में आना चाहिए। अब तुम लोग पहले मेरे को बताओ कि क्या होना चाहिए, मैं यहां पर लिखा 2.5% एंड 97.5%, बताओ आराम से सोच के बताओ कि क्या होगा, आराम से सोच के बताओ कि क्या होगा। लॉस है ना, देखो वॉर यहाँ पर, मेरे पास सुनो, वॉर यहाँ पर पॉजिटिव है मतलब फंड वैल्यू में इतना का गिरावट आ सकता है, यस, ये लॉस इंडिकेट कर रहा है ना, फंड वैल्यू में गिरावट मतलब नुकसान। तो आप बोलो 2.5% है कि 15.36 से ज्यादा होगा एंड 97.5% है कि वो 15.36 से कम होगा, क्या लॉस। अब इसी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो एक काम करो, 200 माइनस 15.36 बताओ कितना होता है, वन एटी फोर पॉइंट सिक्स फोर। तो इसका मतलब क्या हो गया, देर इज अ 97.5% चांस दैट द फंड वैल्यू विल बी मोर देन 184.64 and there is a 2.5% chance that the fund value will be less than 184. क्यों? क्योंकि 2.5% chance है कि मेरा loss 15.36 को exceed करेगा, 2.5% chance हो जाएगा कि मेरा जो fund value है वो 184.64 से कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा loss जो है वो 15.36 से ज्यादा है। 97.5% chance है
कि मेरा जो लॉस होगा वो 15.36 से कम होगा, मतलब 97.5% चांस है कि मेरा जो फंड वैल्यू होगा वो 184.64 से ज्यादा होगा, क्योंकि मेरा जो नुकसान है वो 15.36 से कम है। पूरा वर्ल्ड में इससे इजी वे में वो और कोई समझा नहीं सकता है। ये अवार्ड हम अपने आप को देना चाहते हैं, पूरा वर्ल्ड में यूट्यूब में वीडियो भाग लो, ठीक है, इससे इजी तरीके से वॉर कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलो ठीक है अला, एक और क्वेश्चन, वो जो अपना एग्जांपल था ना जो पीडीएफ स्टार्टिंग से चल रहा है उसमें क्वेश्चन लिखो, 95% वॉर निकालना है अपने को, एंड अपने को पोर्टफोलियो दे दिया है £100 मिलियन का, तो 95% वॉर मतलब पी का वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन टी इज इक्वल टू 0.05, है ना। तो लेस देन टी मतलब क्या इक्वेशन बनेगा यहां पर, -5 से टी एफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 0.05। तो कैसे कर सकते हैं ध्यान देना, -5 से टी 0.00075, है ना, यहां पर आ जाएगा 100 माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू 0.05। इसको उस तरफ ले जाना और ये वाला को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करो। सॉल्व करके टी का वैल्यू निकालिए, हो सकता है कैलकुलेटर का भी यूज करना पड़े आप लोगों को। ट्रायल एंड एरर वाला पार्ट आप लोग घर पे कर लीजिएगा, मैं दो आपको टी का डमर वैल्यू देता हूँ, टी का आप डालिए, सॉल्व होने के बाद में ये कैसा दिखेगा, सॉल्व होने के बाद में ये कुछ ऐसा दिखेगा 0.00075, इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर ये यह आएगा 100x माइनस एक्स माइनस 5 का क्यूब बाय 3, राइट, -5 से टी विच इज इक्वल टू 0.05। कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, मेन अभी हम लोग को समझना है। तो टी का वैल्यू -3, टी का वैल्यू -2, इन दोनों को डालो पक्का से मिलेगा, -3 डालो और -2 डालो, -3 डालो -2 डालो, -3 डालो -2 डालो, तो -3 डालने से मेरा आ रहा है 0.028, -2 डालने से मेरा आ रहा है 0.06075, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हम लोग को क्या चाहिए टी का वो वैल्यू जिसके लिए 0.05 आए, राइट? तो लीनियर इंटरपोलेशन से टी का वैल्यू सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सॉल्व करिए इसको। Sorry.
Plus 43 plus minus 3 plus 43 माइनस माइनस और माइनस के प्लस नाइन प्लस के फिर ये होगा थ्री टू माइनस What? So is it done? So what answer are we getting? Minus 2.3? Okay. So T is negative. इसका मतलब क्या है? और मेरा क्या आ जाएगा? Minus T, which is 2.3%. और पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? लॉस. और पोर्टफोलियो क्या था? 100 मिलियन का. इंटू 2.3% करेंगे तो क्या आ जाएगा? पाउंड 2.3 मिलियन. 95% और था ना, तो क्या स्टेटमेंट बनाएंगे बताइए? क्या स्टेटमेंट बनाएंगे बताइए? 5% चांस है दैट लॉसेस विल एक्सीड 2.3 मिलियन. 95% चांस है दैट लॉसेस विल बी बिलो 2.3 मिलियन. अब एक काम करो, 100 माइनस 2.3 निकाल के बताओ कितना आता है? 97.7. इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5% चांस है दैट द फंड वैल्यू विल बी बिलो 97.7 एंड 95% चांस है दैट द फंड वैल्यू विल बी ग्रेटर दैन 97.7. सबको समझ में आ रहा है ये वाला मैंने क्या कराया? यस यशांत जी बोलिए. सर इसमें एक्स तो अपने पास रिटर्न्स दे रखे हैं ना क्वेश्चन में. यस परसेंटेज रिटर्न्स. तो सर अपन लॉसेस में कैसे बोल रहे हैं? अपन रिटर्न्स नहीं बोलेंगे, 5% चार्ज. क्योंकि क्योंकि मैंने बताया ना, बॉर अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये लॉस डिनोट कर रहा है, माने ये नेगेटिव रिटर्न्स डिनोट कर रहा है. अपने स्टॉक में पैसा लगाया, इतना गिरावट हो सकता है क्योंकि हम लोग का जो टी का वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है ना. तो अगर आप उसको ड्रॉ करोगे नेगेटिव, मतलब इस तरफ आ रहा है आपका एक्सट्रीम, मैंने लोअर एंड में आ रहा है इस तरफ में, तो लॉस डिनोट कर रहे हो. मैंने वॉर का वॉर इज माइनस टी ना, बट टी तो नेगेटिव आ रहा है. सो वॉर पॉजिटिव मतलब नुकसान हो गया वो. ठीक है, अब डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला लिखो. वॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, टी इज इक्वल टू मैक्स एक्स सच दैट प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू पी. मतलब टी क्या होगा? मैक्सिमम एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू पी. इसका एग्जाम्पल से करेंगे अपना, वो जो एग्जाम्पल था. सो प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन माइनस 7, ये क्या होगा? जीरो. लेस देन माइनस 7 क्योंकि माइनस 7 ही तो लास्ट है, माइनस 7 से नीचे तो हो ही नहीं सकता है. फिर प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 5.5, 0.04. और अपने को निकालने बोला, मान लो 95% बॉर.
एक्स इज लेस देन एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू पी, तो ये अपना पी कितना है 0.05, पी अपना कितना है 0.05, तो लेस देन इक्वल टू पी आ रहा है ना, और मैक्सिमम लेना है एक्स, तो यहां पर अपना वॉर क्या आएगा 5.5, मैंने इसके टी अपना आएगा 5.5% अपना वॉर एक्स आएगा -5.5%। यशांत अब तुम समझ रहा होगा वॉर अब देखो नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या डिनोट कर रही है प्रॉफिट, क्योंकि रिटर्न क्या था 5.5% था ना, मैक्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन एक्स, हम लोग को नीचे से चालू करना पड़ेगा एकदम ऊपर तक जाना पड़ेगा इसके लिए, हम लोग को नीचे से चालू करना पड़ेगा, जैसे एक्स इज लेस देन एक्स बनाते चलना पड़ेगा, एक्स इज लेस देन एक्स बनाते चलना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर मान लो यहाँ पर 95% की जगह 99% वॉर होता तो मेरा आंसर क्या होता, आंसर तो होता ही -7 होता, क्योंकि वहां पर 1% लेते ना हम लोग, तो 1% के करीब क्या यही है, ठीक है। अब जैसे वॉर ये आ रहा है तो 100 मिलियन का मेरा जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करिए -5.5%, तो कितना आ रहा है -5.5 मिलियन आ रहा है ना, वॉर नेगेटिव है मतलब क्या ये प्रॉफिट डिनोट कर रहा है, मतलब क्या बोलेंगे देयर इज अ 5% चांस that the profit will be 5.5 million से कम, and there is a 95% chance that the profit will be 5.5 million से ज्यादा। ये तो 5% हुआ, हाँ ये किस केस में 5% हुआ, हम्म, तो फिर हम लोग ये करते हैं ना कि पी मतलब चांस की उससे ज्यादा होगा 5.5% लॉसेस ना, ये लॉस नहीं होगा ना, वॉर नेगेटिव है मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो 5.5% से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 5% चांस है कि प्रॉफिट इससे कम होगा, मैंने बोला था लिखवाया देखो उल्टा हो जाता है प्रॉफिट में, चेक करो इसे स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया, मैं डिस्क्रीट में एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को तो क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लो -100% है, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी है 2%, फिर है -40%, इसका प्रोबेबिलिटी है 18%, नहीं रुको एक मिनट रुको, इसका प्रोबेबिलिटी है 3%, फिर है 0%, इसका प्रोबेबिलिटी है 45%, और है 10%, इसका प्रोबेबिलिटी है 50%, ठीक है, 2% 3% -100% का मतलब समझा, -100% का मतलब है पूरा पैसा नहीं लगाया डूब गया, -40% का मतलब क्या है तुम लगाया 100 बट तुमको अभी हाथ में कितना दिख रहा है 60, 0% मतलब क्या होता है 100 का 100 ही है, और 10% का मतलब क्या है 100 का 110। अब मान लो चालू करेंगे, जब भी डिस्क्रीट होगा ना तो चालू कैसे करेंगे ध्यान देना, चालू हमेशा हम लोग ऐसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन -100%, ये तो जीरो होगा ना, -100% से नीचे तो कुछ है ही नहीं, फिर करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन -40%, तो इसमें क्या आएगा 2%, फिर करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 0%, तो इसमें क्या आ जाएगा 5%, फिर करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 10%, तो इसमें कितना आ जाएगा 50%। अब मान लो मेरे को अगर 99% वॉर बोलता तो 99% वॉर का आंसर क्या होता बताओ, -100%, टी का वैल्यू, टी का वैल्यू मेरे को अगर 96% बोलता, 96% अगर बोलता तो ये मेरा आंसर होता,
ठीक है, अगर मेरे को 95% बोलता तो क्या होता? सोचो, शुड बी लेस देन इक्वल टू पी, लेस देन इक्वल टू पी तो ये होता 0% होता। 90% बोलता तो क्या होता? जीरो। 90% बोलने से क्या होता? ये तो 50% हो गया ना, लेस देन इक्वल टू पी मैक्स, तो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, कॉपी हो गया ना? टेल व्हाट? टेल वैल्यू एट रिस्क एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। मेरा बात समझना, मैंने और क्या बोला? लॉसेस विल एक्सीड 40 करोड़, इसका 1% प्रोबेबिलिटी। ये है मेरा और का स्टेटमेंट। कितना? 40 करोड़ अगर एक्सीड करेगा तो कितना? 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, कितना? तो ये वॉर से पता नहीं चलता है। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे टेल वॉर, माने टेल लॉस कितना लंबा है, वो भी तो जानना जरूरी है ना। वॉर टेल कितना लंबा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि 40 करोड़ अगर एक्सीड करता है तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। डिफरेंट एक्सपेक्टेड टेल वॉर मतलब क्या हो रहा है कि अगर लॉसेस वॉर को एक्सीड किया तो एक्सपेक्टेड कितना नुकसान हो सकता है, उस 40 करोड़ के अलावा एक्सपेक्टेड कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल भी वही है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं लिखवाता हूं एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल का, तो ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्स एल माइनस एक्स कॉमा जीरो, सो दिस इज माइनस इंफिनिटी से एल, एल माइनस एक्स एफ एक्स जी एक्स। एल मेरा क्या है? चोजन बेंचमार्क लेवल। अगर एल मेरा वॉर वाला जो था ना, टी टी टी, अगर वॉर वाला टी को यहां पर एल लेंगे तो ये मेरा टेल वॉर बनेगा। मैंने एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल एक जनरलाइज्ड मेजर है, ये एल को अगर मैं लूंगा, ये एल को अगर मैं लूंगा वॉर वाला टी तो ये बनेगा टेल वॉर। अगर वॉर वाला टी लेंगे इस एल को तब ये बनेगा टेल वॉर। ठीक है, लिख लो हिंदी में, अगर वॉर वाला टी लेंगे एल के जगह, देन ई एस इज इक्वल टू टेल वॉर। सेम क्वेश्चन है, 95% टेल वॉर निकालना है, तो 95% टेल वॉर निकालना है तो ध्यान देना, ये कॉपी हो गया पूरा? ये पूरा कॉपी हुआ? अब देखो मैं कैसे निकालता हूं, ध्यान देना, ये पूरा पहले कॉपी कर लो। अब अपना ऊपर क्या आया था? -2.293 आया था, -2.293 मतलब -2.3 आया था ना। अब मेरे को ये जानना है कि -2.3 के नीचे और कितना जा सकता है मेरा एक्स, -2.3 के नीचे और मेरा एक्स कितना जा सकता है। ठीक है, तो देखो मैं चालू कैसे कर रहा हूं,
मैं देखूंगा एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्स माइनस 2.293 विच इज माइनस 2.3 माइनस एक्स कॉमा जीरो, समझा? एक्सपेक्टेड किसका निकाल रहे हैं? माइनस 2.293 के नीचे जाएगा तो कितना जाएगा उसका एक्सपेक्टेशन, ये भी तो निकालना जरूरी है ना। वही वाला पीडीएफ, एकदम शुरू शुरू पीडीएफ चल रहे हैं। हाँ तो 0.0075। हाँ बोलो कनिष्क। हाँ हाँ टू पॉइंट थ्री तुम लोग का अप्रोक्स आया होगा, एग्जैक्ट 2.293 आएगा। 2.3 आ रहे क्या? ट्रू वैल्यू उतना ही है अगर तुम लोग उसे क्यूबिक एक्सप्रेशन था ना, अगर उसको सॉल्व करता तो 2.293 आता, बट चलो 2.3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसको। मैंने समझा ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर उसको सॉल्व करता ना क्यूबिक को तो यही आता, बट ठीक है 2.3 ले लो। तो एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, सो माइनस 2.3 माइनस एक्स 100 माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर इंटू dx। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस 2.3 लेके करो, थोड़ा बहुत राउंडिंग एरर हो रहा है। तो सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, कितना आ रहा है बताना। सॉल्व करो उसको एकदम अच्छे से,
है 0.0458 और ये परसेंट है पता है ना. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 0.000458. अब इसको मल्टीप्लाई करो 100 मिलियन से तो कितना आ रहा है. ये जो भी आ रहा है सब परसेंटेज में आ रहा है. ये इतना कम क्यों आ रहा है? बिकॉज दिस इज लॉसेस एक्सीडिंग अ सर्टेन लेवल. ठीक है ना. कितना आ रहा है? 0.04. ओपन फिगर्स में बताओ. मेरे ख्याल से 45,800 आना चाहिए पाउंड ओपन फिगर्स में. श्योर है ना? चेक कर लेना तुम लोग. नीतिका यही आ रहा है 45,800 पाउंड ओपन फिगर्स में. ठीक है. तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखो. इसके लिए स्टेटमेंट लिखना. दिस मीन्स दैट द एक्सपेक्टेड लॉस इन एक्सेस ऑफ पाउंड 2.3 मिलियन इज पाउंड 45,000
800, समझा? ये भी एक्चुअल नहीं है, 2.3 को अगर एक्सीड करेगा तो एक्सपेक्टेड कितना नुकसान होगा, ठीक है? अब यही चीज हम लोग को डिस्क्रीट में करना है, तो डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला क्या आएगा अपना, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्स एल माइनस एक्स कॉमा जीरो, सो दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स इज लेस देन एल, एल माइनस एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, वही वाला सम में करो। हाँ एकदम स्टार्टिंग से जो सम चलते आ रहे हैं, एल मेरा क्या था वहां पर, मेरा वॉल क्या आ रहा था, 5.5 आ रहा था ना, मैंने बोला ना एन को टी से रिप्लेस करेंगे, तो 5.5 से कम में क्या है एक्स, 5.5 से कम में एक्स क्या है, माइनस 7 है, तो कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, 5.5 माइनस और माइनस 7 होल इंटू 0.04, ये कितना आ रहा बताइए, एल को अगर टी से रिप्लेस करेंगे तो टेल वॉर बनेगा, ये कितना आ रहा चेक करो, 0.5% है, तो ये क्या आएगा, 0.005। सो दिस मीन्स दैट the expected reduction in profits below pound 5.5 million is pound 0.5 million, ये समझा, एक क्वेश्चन लिखो, एक्स फॉलो करता है यूनिफॉर्म 0% कॉमा 10%, तो मेरा एफ एक्स क्या बनेगा पहले तो ये बताओ, 1/10 है ना, और यहां पर मेरा एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 10, क्लियर? हाँ अगर परसेंटेज पे करेंगे तो 1/10, और अगर तुम उसको ओपन में कर देगा तो 0.1 माने 10% है ना, तो ऐसे भी लिख सकते 1/0.1 विच इज 10, बट ऐसे ही लिखो परसेंटेज में लिखो, फिर हम लोग को इसका मीन निकालना है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो बहुत इजी है, कैसे आएगा, ए प्लस बी बाई टू विच इज हाफ इंटू 0 + 10 विच इज 5, वेरियंस कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए का स्क्वायर बाई 12, सो 10 माइनस ए का स्क्वायर बाई 12, square, चेक करो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक होता है, रेंज देख लो मिड पॉइंट पे मीन है, तो डाउन साइड सेमी वेरियंस क्या हो जाएगा,
डाउनसाइड सेमी वेरिएंस फुल लोड 8.33 बाय 2 तो कितना आ रहा है 4.17 परसेंटेज स्क्वायर. और अगर इसको इवेल्युएट करना हो तो कैसे करेंगे 0 टू 5 5 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 10 डी एक्स. अब तुम लोग को निकालना है शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल 3% का लेवल से. तो शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 0 टू 3 एफ एक्स डी एक्स तो ये आ जाएगा 30%. एन एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा 0 टू 3 3 माइनस एक्स बाय 10 डी एक्स. सॉल्व कर लीजिए इसको. Downside semi variance. ये वाला चैप्टर में थोड़ा बहुत थ्योरी बचा है जो हम लोग टुवर्ड्स दी एंड करेंगे. सारा प्रैक्टिकल इसका कंप्लीट है. अब तुम लोग इसका बैक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं ठीक है. नेक्स्ट क्लास से जो शेड्यूल है वैसे ही क्लास होगा. मतलब 3-3.5 घंटा का जो मेन क्लास है वो 3-3.5 घंटा 4 घंटे का होगा. और जो तुम्हारा प्रैक्टिस क्लास है वो 1.5-2 घंटे का होगा ठीक है. तो उस अकॉर्डिंगली टाइम लेके आना. शॉर्ट क्लास रखे हैं आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहे. इसको रिविजन करो ठीक है. अब हम लोग ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एंड 2. चैप्टर नंबर 1 इज ईएमएच थ्योरी है. उसको करने में 1 घंटा लगेगा एंड देन वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 2 ठीक है. थैंक यू ऑल.